नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे मेरे व्यूअर्स हैं। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए इतना अधिक परिश्रम कर डाला कि लास्ट में इनको क्रेडिट कार्ड मिला ही, और कैसे मिला आपको भी बताएंगे। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए लोग क्यों इतना परिश्रम करते हैं? अगर इतना परिश्रम कर लेते ढंग से पढ़ाई के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो शायद जिंदगी में उनको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। क्या है कहानी, चलिए बताते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों, मेरे व्यूअर्स हैं, काफी बार कार्ड अप्लाई किया, इन्हें कार्ड डिक्लाइन हो गया। इसके बाद इन्होंने 4 बार डॉक्यूमेंट भेजा। इसके बाद क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट के बिहाफ पे इनको 50,000 रुपए की लिमिट मिल गई और कार्ड मिल गया HDFC बैंक का। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, काफी लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड को अप्लाई तो करते हैं, अगर डिक्लाइन हो जाता है तो बहुत नर्वस से हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि क्रेडिट कार्ड मुझे नहीं मिल रहा है, बैंक नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी क्रेडिट कार्ड कोई बैंक अगर आपको इशू नहीं कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो कभी आपको टेंशन या चिंता नहीं करना है, कभी भी आपको घबराना नहीं है कि मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है। जितनी आप दिमाग उस क्रेडिट कार्ड को लेने में लगाते हो, उतना दिमाग आप अपने दूसरे काम में इन्वेस्टमेंट करो, लगाओ, आप आगे बढ़ोगे। यहाँ मित्रों, कुछ लोग ऐसे हैं, क्रेडिट कार्ड अगर उनको नहीं मिला, आज नहीं मिला, तो ओ कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद फिर से वही काम में लग जाएंगे। मित्रों, मैं बता दूं कि बैंक का एक सिस्टम है, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बार बार वही काम कर रहे हो, तो आपको बड़ा बहुत अधिक आपको परिश्रम करना पड़ेगा, इसके बाद आपको कार्ड मिलेगा। और अगर आपको कार्ड मिल गया तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत परिश्रम किया, तो आपको बिल्कुल परिश्रम नहीं करना है। हमारे व्यूअर्स हैं, छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूं। क्रेडिट कार्ड उनको नहीं मिल रहा था, इसके बाद उन्होंने सब बैंकों में ट्राई किया, कोई बैंक कार्ड नहीं दे रहा था। इसके बाद यहाँ वहां से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना बंद ही कर दिया, अपना जॉब करना चालू कर दिया, काम करना चालू कर दिया, बिना टेंशन फ्री होके। इसके बाद अचानक उनके पास कॉल आया कि सर, हम आपको क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं इस बैंक का, आप ओनली OTP बता दीजिए, आपको जानकारी बताना है और आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा। उन्होंने वो चीज को जांचा, पड़ताला और सब कुछ बताया, ऑन कॉल पे ही कार्ड अप्रूव हो गया और उन्हें आसानी से कार्ड मिल गया। ऐसे कार्ड मिलता गया 12 क्रेडिट कार्ड मिल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से उस चीज को निकाल दिया। तो अगर मित्रों, आप कभी क्रेडिट कार्ड या किसी चीज अगर दिमाग में डाल लिए कि मुझे ये काम करना है, तो आप उसी चीज में व्यस्त रहोगे। तो हमेशा अपना काम करते रहो, कभी भी दौड़ो मत कि मुझे क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। तो इन्होंने बहुत तकलीफ सही, अब आप बताना कि इन्होंने इतनी तकलीफ क्यों सही, और इनको लिमिट मात्र 50,000 रुपए का मिला, और भी बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट कार्ड का दिया था, सॉरी क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट उसके बिहाफ पे कार्ड मिला, कोई इनकम प्रूफ नहीं दिया, बट बहुत टाइमिंग बाद मिला, बहुत बार डॉक्यूमेंट भेजा हेड ऑफिस में, तब जाके मिला। तो आप ही अब बताइए क्या सही है, क्या गलत है, क्या इतना परिश्रम करना चाहिए या नहीं। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना।